नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएसएस ब्रांड, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। विशाल कैसे बने या अपना दायरा विशाल कैसे बढ़ा, वो किस चीज पे डिपेंड होती है? तो जो टॉपिक है आज है, विचार से विशाल तक। विचार से विशाल तक, अपने विचार से आप अपनी गरिमा, अपना क्षितिज, अपनी बाउंड्री, अपनी पेरिफेरी बढ़ा सकते हैं। वो है आपके पास आपका विचार। आपका विचार यानी कि आपका विचार आपकी सोच एक दिन विशाल आपको बनाएगी। अगर आप टारगेट ऊपर रखेंगे तो ऊपर तक पहुंचेंगे, नीचे रखेंगे तो नीचे तक पहुंचेंगे। आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, वही पाते हैं। जब विचार ही आती है तब आप जो चुनते हैं वही आप पाते हैं। गलत विचार वाले लोग सदा दोषपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देते हैं और वो सदा काले चश्मे का तात्पर्य ये नहीं है कि हम धूप में काला चश्मा पहन रहे हैं। काले चश्मे का तात्पर्य है कि हर चीज़ में वो निगेटिव देखते हैं। ये किया तब भी निगेटिव, वो किया तब भी निगेटिव। दुनिया को देखते हैं जिसके फलस्वरूप वे शंकालु और धूर्त लोगों को ही देख पाते हैं, क्योंकि खुद के अंदर वो सब चीज़ें भरी हुई हैं, खुद के अंदर वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। दूसरी ओर अच्छे विचार वाले व्यक्ति, आशावादी व्यक्ति गुलाबी चश्मे यानी कि एक रंगीन तरीके से देखते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। अधिकांशतः लोगों को प्रसन्न और सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ दिखते हैं। गुलजार साहब ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, गुलजार साहब ने कहा है, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटके चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सदा ये याद रखना है कि हमको पॉजिटिव सोचना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और सबके लिए सोचें और सबके लिए करें। यानी कि जो आप अपना गोल बनाए हैं उस गोल में दूसरे लोगों का भी प्रॉस्पेरिटी की बात करिए, दूसरों लोगों का मेटेरियल प्रोग्रेस की बात करिए, क्योंकि दूसरे के प्रोग्रेस से आपको जो खुशी मिलेगी वो असीमित होगी। एक अंतर आता है कि डिफरेंस क्या है, अच्छा विचार और बुरे विचार में अंतर क्या है, अच्छे विचार और बुरे विचार में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जब कोई काम गलत हो जाता है तब बुरी मनोवृत्ति या बुरी सोच वाला व्यक्ति दूसरों को दोष देगा, मौसम को दोष देगा, एग्जाम को दोष देगा, पेपर को दोष देगा। अच्छी मनोवृत्ति वाला आदमी क्या सोचेगा, गलतियों के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा और उसे क्षमा मांगेगा कि भैया मैंने प्रयास तो बहुत किया, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो। बुरी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति सदा बहाने ढूंढता है, अगर कोई काम का राइट टाइम पे नहीं हुआ तो बहाने खोजेगा कि इनके वजह से हो गया, उनके वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें करेगा। अच्छी मनोवृत्ति वाला आदमी वो रिजल्ट पे फोकस करता है, वो रिजल्ट अगर कमी रह गई तो तुरंत एक्सेप्ट करेगा कि हाँ इसमें कमी रह गई है और नेक्स्ट टाइम से इसको मैं दूर कर दूंगा। यही तो प्रोग्रेस की निशानी है, यही तो अपनी बाउंड्री बढ़ाने का पहचान है। बुरी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अगर जब भी आप उससे पूछेंगे क्या चल रहा है तो बोलेगा चल रहा है, गुजर रही है, टाइम पास हो रहा है, कट रही है, इस तरह के शब्दों का, निगेटिव शब्दों का प्रयोग करेगा। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या चल रहा है तो बोला कट रही है, अब क्या कट रही है पता नहीं कि चल रही है, तो इस तरह के निगेटिव बातें कर, तो ऐसा है
इस तरह के निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जब भी आप उनके नज़दीक जाएंगे तो निगेटिव बातें करेंगे। वो तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़ो। वो मर्सिडीज से चल रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहता कि आप मर्सिडीज से चलो। वो फ्लाइट में उड़ा है लेकिन ये नहीं कहेगा कि आप भी फ्लाइट में उड़ो। तो उस तरह के निगेटिव लोगों से दूर रहिए। और अच्छी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति जब आप पूछेंगे कि भैया कैसा चल रहा है तो बोलेगा परफेक्ट। नहीं भी चल रहा होगा तब भी बोलेगा परफेक्ट चल रहा है, ठीक चल रहा है, आई एम ओके, आई एम वेरी फाइन। तो ये डिफरेंस है बुरी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति और अच्छे मनोवृत्ति यानी अच्छे विचार और अच्छे सोच वाला व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद ने दो शब्द बोले हैं जिसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, आपकी सोच आपकी पहचान बनेगी, आपकी सोच आपकी पहचान बनेगी, आपकी सोच आपकी पहचान बनेगी। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे, अगर आप अपने आप को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। लेकिन सोचने के साथ साथ आपको अपना कर्म करना होगा, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ये आपको चुनना है, ये आपको चुनना है कि आप काला चश्मे पहने हैं या चमकदार आशावादी चश्मा पहने हैं। तो मनोवृत्ति क्या है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेकर शाम तक अपना एक चार्ट बनाए कि मैं ऐसा चीज करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। ये मस्तिष्क, ये मस्तिष्क क्या है, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा माइंड होता है वो एक छननी होता है, छानता है, छननी होता है, छानता है, जिससे हम अपने विचारों को छानते हैं और दुनिया को देखते हैं। ऐसा माना गया है, साइंस ने ऐसा बताया है कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर सुबह मतलब 24 आवर्स में लगभग 50,000 बातें, 50,000 चीजें दिमाग में आती हैं, 50,000। अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जब रोड पे चलोगे, मेट्रो पे चलोगे, फ्लाइट में चलोगे, गाड़ी में चलोगे तो 10 तरह की चीजें देखोगे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये एक मैकेनिकल आपको बनाना पड़ेगा, मैकेनिकल आप लोग को बनाना पड़ेगा। जो लोग अपने विचारों को गलत छननी से छानते हैं उन्हें दुनिया सभी जगह अशुभ, अंधेरा और उदासी दिखाई देती है। उनको सदा सब कुछ उदासी दिखाई देगा, हर चीज में उदासी। आप लोग के सराउंडिंग में देखिएगा कि इस तरह के लोग मिलेंगे जो सदा निगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। इन्हीं विचारों को सकारात्मक छननी से छानने पर दुनिया चमकदार, उद्यमशील, आश्चर्यजनक और अवसरों से भरी दिखाई देती है। और हम अपना टारगेट बड़ा से बड़ा रखते हैं। आज हम एक मुहिम चला रहे हैं, हमारे देश एक मुहिम चला रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हम अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक सकारात्मकता है, एक सकारात्मकता है जिसको मैं कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नो डाउट समय लगेगा, किसी भी कार्य करने में समय लगता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, महान साइंटिस्ट एडिसन, जब वो 67 ईयर के थे, व्हेन ही वाज 67 ईयर ओल्ड, तो जहां पे वो काम करते थे, जो उनका रिसर्च सेंटर था, किसी वजह से पूरा जल गया, पूरा रिसर्च सेंटर जल गया। एडिसन वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा जल गया। अब उनका क्या हुआ, जब वो एडिसन वहां पहुंचे वहां पे, तो लोग उनको, उनके जो कलीग्स थे, जो जानने वाले थे, उनको सांत्वना देने लगे कि सर ये तो जल गया, बहुत आपको नुकसान हुआ, जितने आप रिसर्च कर रहे थे सब जल गया। अब देखिए एडिसन को दुखी होने के बजाय एडिसन क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, मित्रों दुर्घटना का बड़ा महत्व है। देखिए कितने पॉजिटिव होकर बात करते हैं, मित्रों दुर्घटना का बड़ा महत्व है, नष्ट हो गई कंक्रीट की बिल्डिंग की इशारा करते हुए एडिसन ने कहा, देखिए हमारी सारी गलतियां इस जलने के साथ ही जल गई। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे जितने गलतियां थी वो सब जल गई। अब हम नया कार्य शुरू करेंगे, एक नई सोच से काम करेंगे, नई सोच से काम करेंगे। तो ये एक सोचने का तरीका है, यह एक सोचने का तरीका है। और जब भी आप सुबह उठें तो एक वर्ड जरूर बोले, वो भी मुस्कुराते हुए, वही मुस्कुराते हुए जब आप बोलें और वेलकम करें
इस नई सुबह का, नई चेतना का, नई स्फूर्ति का, और कहे वाह क्या खूबसूरत दिन है, आज मैं अपने शेड्यूल को ऐसे करूंगा। और सोने से पहले आप अपना शेड्यूल जरूर बनाए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं काफी बोलूंगा आप लोग को, ठीक है। तो एक शेड्यूल बनाए। अमेरिका के एक महान गीतकार थे जिनका नाम था ऑस्कर हैमरस्टोन। ऑस्कर हैमरस्टोन, उनकी राय क्या है, मैं जानता हूं दुनिया कष्टों और अनेकों अन्यायों से भरी पड़ी है। अगर आप देखें, मतलब आप देखना चालू करेंगे तो आपको बस दुखी 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 सब जगह मिलेगा। और वास्तविकता यह है कि जितनी खराब है इतनी खूबसूरत भी है। मैं समझता हूं कि खूबसूरत सुबह के बारे में गाना गाना बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना झोपड़पट्टी के बारे में बात करना। इसलिए मैं अच्छी बातें करूंगा, आशावादी बातें करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा, नियत साफ करके बात करूंगा, सबके लिए सोचूंगा। आशा न होने की स्थिति में हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर हमारे पास आशा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो गौतम बुद्ध ने एक लाइन बोला है, ट्रेन योर माइंड टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। ठीक है, तो आप अपनी सोच को बदलें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी कार्य में लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेशन बिल्डिंग मिशन, ये जो प्रोग्राम है नेशन बिल्डिंग मिशन है, राष्ट्र उत्सव का प्रोग्राम है, देश को आगे ले जाने का प्रोग्राम है, परिवार को आगे ले जाने का प्रोग्राम है, समाज को आगे ले जाने का प्रोग्राम है, और हर वर्ग के लिए सोचना और हर वर्ग के लिए करने का प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर कुछ बोल सकते हैं, और अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि को समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बना सकते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा दे, आपका एग्जाम्पल दुनिया देखेगी, क्योंकि आपको जरूर आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे और समाज और देश के लिए एक मिसाल बने, जो चीज समाज और देश के लिए मिसाल बने। तो प्लीज दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप अपना नाम, सिटी नेम एंड डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस इंडिया। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके, और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और एक मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड।